नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर जनपद मुरादाबाद के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के गांव नगला गुजर में 22 मार्च को डीजे पर मनपसंद गाने बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें आरोपी सूरज ने पृथ्वीपाल पर 315 बोर का तमंचा निकालकर फायर कर दी और पृथ्वीपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। फायर झोंकने के बाद सूरज मौके से फरार हो गया था। थाना क्षेत्र अधिकारी समन कुमार ने बताया कि थाना हजरत नगर क्षेत्र के गांव नगला गुजर में 22 मार्च को डीजे पर मनपसंद गाना बजाना दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया था, जिसमें सूरज ने पृथ्वीपाल पर 315 बोर का फायर झोंक दिया था। उसके बाद मौके से फरार हो गया था, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए। तमंचे का प्रयोग कातिलाना हमले की वजह से किया गया। सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो विकास चौधरी की खास। सुमान, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों के अधीन कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में थाना हजरत नगर पुलिस द्वारा एक अवैध असले के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसका नाम है सूरज सिंह, उनके पिता का नाम है स्वर्गीय हरिश्चंद्र। इसके पास से आज सुबह ही हमें 0.315 बोर का तमंचा मिला है और इसके अलावा एक खोखा कारतूस भी मिला, और इसके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 48/2019 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। यह सूरज सिंह एक पिछले मामले में अभियुक्त है। इसी महीने 22 तारीख को डीजे पर मनपसंद गाने न बजाने के लिए विवाद हुआ था, उसमें इसने ये गोली चलाई थी। इससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने स्वीकार किया कि गोली चलाई थी और यही तमंचा उसमें प्रयोग हुआ। सर, ये पिछली बार कितनी बार जेल जा चुका है? इसके विरुद्ध इसके पहले भी 2013 में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, उसमें से 2 विद्युत अभियंता के हैं और 1 चोरी का मुकदमा।